आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आगरा के थाना मंटोला क्षेत्र में शुक्रवार को आए अचानक तूफान के कारण क्षेत्र में बह रहा नाला अचानक ढह गया। वहीं मंटोला क्षेत्र में रह रहे एक परिवार के घर की दीवार में दरार आ गई। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। शुक्रवार को आए अचानक तूफान के कारण ताजनगरी में एक घर की दीवार और नाला ढहा। मंटोला थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। क्षेत्र के लोगों में फैला दहशत का माहौल। आगरा से संवाददाता अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। लता करे है और मैं रिपब्लिकन पार्टी ए की जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ और यहाँ नाला मंटोला वाल्मीकि बस्ती में बारिश की वजह से सतीश जी का घर गिर गया है। जो उनके बच्चे थे वो काफ़ी उसमें फंस गए। दीवार गिर जाने की वजह से हमने सफाई कर्मचारी को बोला, सुपरवाइज़र को, तो वो ये बोलता है कि मैं सफाई करवा दूँगा, अदरवाइज़ सफाई नहीं की जाती है। यहाँ का नाले की हालत बहुत ख़राब है, नाले की दीवारें भी गिर चुकी हैं जिससे घरों में सबके पानी पहुंच चुका है। यदि साफ सफाई नहीं की गई तो एक बच्चा भी यहाँ नाले में गिर गया था, वो आज तक नहीं निकला। नगर निगम की तरफ से कोई शासन प्रशासन तो बोल रहे हैं कि नालों की सफाई, नगर निगम की तरफ से सफाई हो जाती है पर है ना, कचरा वहीं का वहीं पड़ा रहता है। आज कचरे को भी पड़े हुए 15 दिन हो चुके हैं जिससे बच्चों की हालत बहुत गंभीर होती जा रही है, क्योंकि बारिश होती है कचरा उठता नहीं है तो निकलने में भी दिक्कत होती है और बच्चों के स्वास्थ्य पर भी परेशानी होती है। बताइए, मैं RPI आगरा का जिलाध्यक्ष हूँ और मैं जो है इस समय फरवरी माह से पूरे आगरा के नालों का सर्वे कर रहा हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि नगर निगम प्रशासन केवल कागजी कार्रवाई कर रही है लेकिन जो है ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं कर रही है। आज मैंने यहाँ मंटोला के कुछ लोग मुझे मिले सवेरे मॉर्निंग वॉक पर, उन्होंने अपनी पीड़ा बताई तो मैंने उनकी पीड़ा को सुनते हुए और देखते हुए यहाँ जो देखा है कि नाला मंटोला वाल्मीकि बस्ती बिल्कुल नारकीय जीवन जी रही है। वाल्मीकि समाज के यहाँ मकान ग्रासू हालत में रखे हुए हैं, नाला पूरा नाले में पलटा पड़ा है, मलबे का ढेर लगा हुआ है और यहाँ इतनी बड़ी त्रासदी होने को रखी हुई है कि इसकी जान माल की रक्षा करना जो प्रशासन का दायित्व बनता है वो बिल्कुल जो है मूक दर्शक बना बैठा है। इसके लिए कल तो संडे, में सोमवार को नगर निगम जा करके नगर आयुक्त महोदय से बात करता हूँ और मैं बात करके उनको मैं यहाँ ला कर के दौरा कराने का काम करूँगा और उनको दिखाऊँगा कि देखिए यहाँ वाल्मीकि बस्ती का क्या हल हो रहा है। जबकि सरकार में हमारे समाज की पूरी पूरी भागीदारी है और हम पूर्ण रूप से इससे हकदार हैं। हमारा जो है उत्तर प्रदेश शासन यहाँ जो है आगरा के विकास के नाम पर करोड़ों रुपये भेज रहा है लेकिन आगरा का जो प्रशासन है, नगर निगम प्रशासन है, वो गवर्नमेंट की योजना को, गवर्नमेंट की प्लानिंग को पलीता लगा रहा है। कहीं भी जमीनी स्तर पर कोई सुविधा नहीं दे पा रहा है प्रशासन। इसलिए मैं सोमवार को जो है नगर निगम में जाकर के अधिकारियों से बात करूंगा और हर संभव प्रयास करूंगा इनके लिए। ये एक मकान है बाजू समाज का है जो ग्रासू हालत में है और इस परिवार में जो भी हैं फैमिली के लोग वो सब विकलांग हैं और इनकी ऐसी आर्थिक स्थिति नहीं है जो मकान गिर जाए तो ये दोबारा बनवा लें। और आज इनका मकान जो है, इनके मकान के सारे से नाला बह रहा है, नाला वो भी भरा पड़ा है। इसलिए मैं प्रशासन को कहना चाहता हूँ कि समय रहते जागरूक हो जाए और इस समस्या का समाधान करें, अन्यथा मैं जो है आने वाले कल में मैं शासन से मिल करके इनका नगर निगम में बैठना हराम कर दूंगा। मेरा सतीश है। क्या समस्या, क्या हुआ तुम्हारे घर में? जो मेरे घर में जगह कल की बारिश में मेरी दीवार गिर गई और घर में पानी घुस गया था और आज का टाइम था और इससे आगे मैं मेरी बच्चों को कहाँ ले जाता और इसके चक्कर में बारिश में मेरा गिर गया। नगर निगम की तरफ से नाली की सफाई वगैरह? हाँ, कुछ नहीं होती है साहब। जमाना से कितनी बगे जमाना गलते जमा गाली देता है और हमें आज जोड़ के पिलाता है। हमारी देश के नाली चक्कर में घर पर बिल्कुल पानी घुस जाता है, हम कहाँ जाएं? और इससे कह दी तो हम तो टीसी कहता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।